आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी 24 मार्च को करेंगे नई एसटीपी का लोकार्पण, 1800 करोड़ के प्रोजेक्ट का रखेंगे आधारशिला। अखिलेश का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बिना उतरने का प्लान, ओबीसी सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस। पूर्व मंत्री याकूब की 31 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त, मेरठ पुलिस ने मीट माफिया की संपत्ति का तैयार किया ब्यौरा। मेहुल चौकसी पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस किया वापस, राहुल बोले मोडानी मॉडल, मतलब पहले लूटो फिर बिन सजा के छूटे। लखनऊ में दिन में छाया अंधेरा, कई इलाकों में ओले गिरे, मेरठ मुरादाबाद सहारनपुर में भी बरसात। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। इंटरपोल ने भगोड़े बिजनेसमैन मेहुल चौकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। यह सीबीआई और ईडी के लिए बड़ा झटका है। यह फैसला चौकसी द्वारा एंटीगुआ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करने के बाद आया है। वहीं राहुल गांधी ने रेड कॉर्नर नोटिस हटाए जाने पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि विपक्ष को ईडी सीबीआई, मित को रिहाई, मोडानी मॉडल, मतलब पहले लूटो फिर बिन सजा के छूटो। फरीदाबाद में प्रशासनिक लापरवाही के चलते पिछले एक महीने से डबुआ कॉलोनी के लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। घरों में या तो पानी आता ही नहीं है और आता है तो सीवर का पानी आ जा रहा है। इसी को लेकर बबुआ कॉलोनी के लोगों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और साफ सफाई के लिए और पानी के लिए देने की गुहार भी लगाई। डबुआ कॉलोनी से है हमारी, एक महीना हो गया हमारा, सारा लाइन में गंदा पानी आ रहा है, लाइन जगह जगह टूटी है, गैस वालों ने तोड़ दी। मेरी ये समस्या है कि एक महीने से पानी नहीं आ रहा सर, और इतना गंदा पानी आ रहा, हमारा तो पानी भी नहीं आ रहा है, और बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। रोज के रोज 50-100 रुपए का पानी ले रहे हैं, उसके हम कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, क्या किया जाए भाई, और हम इतना पानी कहाँ से लाएंगे। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र में कस्बा कोरियागंज के ललित देवी मंदिर पर लगे मेले में हजारों श्रद्धालु भक्त उमड़े हैं। जहां मेले में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है, श्रद्धालु भक्तों ने मेले में देवी की प्रतिमा के सामने मन्नत मांगी। इसी के साथ कुछ श्रद्धालु भक्तों ने मेले में मन्नत पूरी होने पर भंडारे का आयोजन भी किया, जहाँ मेले में आए श्रद्धालु भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर के दौरान मेले के प्रबंधन ने बताया कि ललित देवी की आस्था रखने वाले लोग दूर दराज से आकर दर्शन करते हैं, जिसके मायने मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। सुनने में तो ये आता है कि पूरे भारत में जो 7 देवी स्थान है तो 8वां स्थान मां ललिता देवी कोरियागंज का माना गया है, और जहाँ भी हिंदुस्तान में लोग कोरियागंज से गए हैं या विश्व में कहीं भी गए हैं, अपने बच्चों का मुंडन कराने या अपने परिवार की खुशहाली के लिए, या मान्यता इसकी ये है कि मान आने के लिए साल में एक बार या जरूर आते हैं, और हर व्यक्ति का मनोकामना पूरी होती है। औरैया के जिले दिव्यापुर में प्लास्टिक सिटी चौकी में खाना बनाने वाली महिला ने चौकी इंचार्ज पर छेड़छाड़ करने और अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि जब उसने खाना बनाने से इनकार किया तो उसके पति के खिलाफ झूठा मुकदमा भी लिखा गया। पीड़ित की शिकायत के बाद एसपी ने सख्त कदम उठाते हुए दरोगा और एक सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके साथ ही दिव्यापुर पुलिस ने दोनों के खिलाफ जाँच भी शुरू कर दी है।
ये प्रकरण इस प्रकार से है कि मेरे जन सुनवाई में एक महिला आई थी, जिन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि चौकी प्रभारी प्लास्टिक सिटी ने उनके साथ छेड़खानी की और उसका विरोध करने पर उनके पति का चालान कर दिया गया। तो प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत तत्काल मेरे द्वारा जांच एडिशनल एसपी औरैया को हस्तगत की गई। स्वयं मौके पर जाकर उन्होंने जांच की है, जांच आख्या अपेक्षित है। इसमें प्रकरण गंभीर था, इसको देखते हुए अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया था। समीचीन धाराओं में 17-3 को ही अभियोग पंजीकृत हो चुका है। जांच निष्पक्ष हो जाए इसके लिए चौकी इंचार्ज को भी संबंधित थाने से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है। बुलंदशहर में यूकेलिप्टिस के पेड़ पर बाघ चढ़ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बाघ से पेड़ से उतरता दिखा रहा है। बता दें कि ये बाघ एक शख्स की जान ले चुका है और कई लोगों को घायल भी कर चुका है। पूरा मामला बुलंदशहर के ऊंचा गांव के गांव मवई का बताया जा रहा है। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर हुड़दंगियों की निगरानी के लिए 45 से अधिक जगहों पर नाइट विजन कैमरे लगाए जा रहे हैं और वसुंधरा चौकी में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। वहीं कंट्रोल रूम में उद्घाटन को एक हफ्ता भी नहीं हुआ, कैमरों के काम करना बंद कर दिया है। टेक्नीशियन के जांच में पता चला कि कैमरे में लगाई गई वायर 27 जगह से कट गई है। वहीं अब सीसीटीवी कैमरे की वायरिंग दोबारा से सही कराई जा रही है और पुलिस द्वारा वायरिंग काटने वाले अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा 5 टीमों का गठन कर इस तरह की हरकत करने वाले व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। दिनांक 16 मार्च की रात लगभग 8:30 बजे एलिवेटेड पे एक अज्ञात व्यक्ति तारों के साथ छेड़छाड़ करता हुआ सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। इस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वह इसकी गिरफ्तारी हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया है। जल्दी ही इसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर गाजीपुर से, जहां शादी में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। शादी में दौरान हर्ष फायरिंग का ये वीडियो भवरकोल थाना क्षेत्र के मिर्जाबाद मनिया गांव का है, जहां दो लोग राइफल से हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। यह वीडियो संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के संज्ञान में आया था परसों की एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ व्यक्ति एक राइफल से हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। इसका तत्काल संज्ञान लिया गया, तो ये संज्ञानित हुआ कि इसमें किसी की बहन की शादी थी, उसमें वो हर्ष फायरिंग कर रहे थे। उस पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की गई है तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कानपुर के सराफा कारोबारी का बेटा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि कई बार अलग अलग नंबरों से उन्हें कॉल भी आई, लेकिन उन नंबरों की अभी तक जांच नहीं हो पाई है। वहीं फॉरेंसिक जांच टीम रिपोर्ट ने पुलिस से ने लापता युवक की डूबने से मौत होने की पुष्टि की है, जिसका विरोध करते हुए पीड़ित परिजन और भाजपाइयों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और फिर से जाँच कराए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने सुनवाई नहीं की है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाएंगे। वहीं पुलिस कमिश्नर ने परिजनों को आश्वासन देते हुए एक जांच कमेटी बनाए जाने की बात भी कही। पिछले 23 अगस्त को जिसका अपहरण हो गया था गंगा बैराज से, बहुत सारे ऐसे बिंदु थे हम लोगों के पास भी, जो हम लोगों ने भी इन्वेस्टिगेट किए, परिवार ने भी इन्वेस्टिगेट किए, पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेट किए, लेकिन वो सारे बिंदु इस तरफ ये प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे का अपहरण हुआ है। और ऋतिक से बात भी हुई है, जो बच्चा अपहरण हुआ है उससे बात भी हुई है परिवार की, सबसे बड़ा बात। लेकिन हमारा प्रशासन उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो आज उसी सोए हुए प्रशासन को एक बार जगाने का प्रयास था और ये भी इस बात को भी कहने का प्रयास था कि अगर प्रशासन कहीं से भी फेल होगा तो इस बात को लेकर अब दबा नहीं जाएगा, इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी तक भी जाया जाएगा। एक जाँच के आधार पर फॉरेंसिक जांच सर, उनकी एक मतगणना थी कि अपने उन्होंने हिसाब से कि वहाँ पर डूब गया, ये उन्होंने एक काल्पनिक स्टोरी रिक्रिएट करके वहाँ पर जांच करवाई थी। बट वास्तविक में उसके 1 महीने बाद मेरे भाई के अपहरण करने वालों का फ़ोन आता है, वो मुझसे पैसे की भी डिमांड करते हैं, वो मेरे भाई से मेरी बात भी करवाते हैं, बट
बट पुलिस अभी तक कहने पर तुली है कि वो मुझसे कोई मजाक कर रहा है। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बदमाशों को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया। बता दें कि मामला सलोन थाना इलाके का है, जहां पिछले दिनों कई चोरी की वारदातों के बाद पुलिस अभियुक्तों की तलाश में जुटी थी। बीते देर रात सलोन पुलिस स्वाट और एसओजी के साथ हनुमानगंज पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी, तभी बिना नंबर प्लेट के लोडर पर सवार लोगों को रोका गया। लोडर सवार लोगों ने पुलिस पर फायर कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। दो लोडर सवार के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने दोनों को सीएससी सलोन भेजा है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रवाना कर दिया। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी का सामान समेत अवैध असलाह और बिना नंबर का लोडर बरामद किया है। देखिए, थाना सलोन में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 148/23 पंजीकृत हुआ था। उसमें विवेचना के दौरान दो अभियुक्त अनुज पासी और शिव पटेल का नाम प्रकाश में आया। इनको गिरफ्तारी करने के लिए स्वाट सर्विलांस की टीम और थाना की टीम लगी हुई थी। मुखबिर से कल रात सूचना मिली कि इनका लोकेशन हनुमानगंज नहर पुलिया के पास है। इस सूचना पर हमारी समझ टीमें पहुंची और गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। गिरफ्तारी के दौरान इन्होंने बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की, जिससे इनके पैर में गोली लगी। तत्काल इनको सीएससी सलोन पहुंचाया गया, वहां से जिला हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। इनकी स्थिति सामान्य है, खतरे का कोई डर नहीं है। इनके कब्जे से एक पिकअप बिना नंबर की, 315 बोर का तमंचा, 12 बोर का तमंचा, जिंदा राउंड, खोखा राउंड बरामद हुआ है। 250 मीटर तार बरामद हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी कर इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल के सरायतरीन में एक युवक को मीट विक्रेता ने चाकू मारकर घायल कर दिया। बता दें कि दो दिन पहले घायल के घर में मंगनी का प्रोग्राम था, जिसमें मीट विक्रेता चाहता था कि उसकी दुकान से मीट सप्लाई किया जाए, मगर जब लोगों ने उसे मीट नहीं सप्लाई के लिए मांगा तो वो इस परिवार से रंजिश रखने लगा, जिसके बाद उसने परिवार के एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। थाना हयात नगर क्षेत्र में सरायतरीन के मोहल्ला नवादा का मामला बताया जा रहा है। संभल में दो बाइकों में भिड़ंत हो गई है, जिसमें तीन बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नज़दीकी लोगों ने एम्बुलेंस के द्वारा घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए दो को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बैजोई थाना क्षेत्र के आगरा मुरादाबाद हाईवे पर पाठकपुर के नज़दीक की घटना बताई जा रही है। ये काजगंज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि काजगंज जनपद के थाना ढोलना के निकट ग्राम वाहिदपुर माफी के पास एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में जा पलटी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस पूरी घटनाक्रम में एक दर्जन महिला पुरुष श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर देख रेफर कर दिया गया है। बाकी लोगों को दूसरी बस से वापस उनके घर भेज दिया गया। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया है, साथ ही घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। यूपी के शाहजहांपुर में हुई बेमौसम बरसात ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। शाहजहांपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मनोहर सिंह ने बीते दिनों बताया कि यूपी के जिले में बारिश होने की संभावना है। वहां के लिए लखनऊ के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, लेकिन शाहजहांपुर और उसके आसपास के जिलों के किसानों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीते दिनों से शाहजहांपुर में जो बारिश हो रही है, आज का रिकॉर्ड टूट गया है। करीब पौने घंटे तक हुई तेज बारिश से किसानों की गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इसके अलावा सरसों, मूंग, उड़द फसल और जिन किसानों की गन्ना बुआई हो चुकी है वो भी बर्बाद हो गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।